चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। आज की ताजा प्रमुख खबरें। जल्द होंगी योग शिक्षक की भर्ती। अनुदेशक लीडर हिमांशु वर्मा की मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री से। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा के बेटे की शादी में हुई काफी देर बाद था। शिक्षा मित्रों का हुआ पर मंथ 20,000 रुपये मानदेय। प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव, लगाए आरोप। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात। अब खबर विस्तार से। आज की टॉप पहली खबर है जिसे अमर उजाला ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है। योग शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती, चयन की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग में। ये समाचार आ रहा है इसमें सबसे टॉप, सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानक में संशोधन किया गया है। वो पेपर दिखाऊंगा जो अमर उजाला ने खबर छापी है कि योग शिक्षकों की भर्ती। आप देख सकते हो इस पेपर में साफ साफ 23 अप्रैल का ये पेपर है जिसमें बताया गया है कि जल्द से जल्द योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसको अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर छापा है। आज की दूसरी बड़ी खबर है शिक्षा मित्रों को मिलेगा 20,000 रुपये मानदेय पर मंथ। राज्य ब्यूरो देहरादून से ये खबर है। प्रदेश की धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को तोहफा दिया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नियत मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए, यानी पहले 15,000 था, अब 5,000 बढ़ाते हुए 20,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी उम्मीद लगा रहे हैं यूपी सरकार से कि उनके भी मानदेय में कुछ वृद्धि की जाए। अब खबर है बीजेपी सरकार का भले ही दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया लेकिन पहले कार्यकाल में शुरू हुए शिक्षक भर्ती के विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी जारी रहा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में आई 69,000 पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव किया है। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने अभ्यर्थियों को पुलिस की बसों में भरकर वहां से हटाया, तब जाकर मामला शांत हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के घर को घेरा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी गड़बड़ी। अभ्यर्थियों ने बताया कि 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियम लागू करने में गड़बड़ी की गई थी। मामले को लेकर वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। आयोग ने भी इस गड़बड़ी को माना और यूपी सरकार को इसमें सुधार कर भर्ती में छूटे पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कहा। अभ्यर्थियों की माने तो पहले तो शिक्षा विभाग गलती मानने को तैयार नहीं हुआ लेकिन बाद में चुनाव से पहले इस गड़बड़ी को मान लिया। इसके बाद 68,000 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की। हालांकि ये मामला कोर्ट में होने के वजह से अब तक काउंसलिंग कर नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस मामले में कोर्ट में अपना पक्ष रख मामला निस्तारित कराए इससे नियुक्ति हो सके। जाने क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मामला कोर्ट में होने की वजह से रुका है। उन्होंने कहा कि सीएम ने कोर्ट की लंबी सभी केस जल्द निस्तारण कराने को कहा है। मामलों का निस्तारण होते ही नियुक्ति दी जाएगी। साथियों यहां पर एक मैसेज क्लियर हो चुका है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितने भी लंबित कोर्ट में मामले हैं उन पर सुनवाई हो चुकी है तो उन पर निर्णय लिया जाएगा। अब समाचार आ रहा है आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के घर पर मुलाकात हुई। अंतर जन स्थानांतरण हुए लेकिन ज़िले के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक में स्थानांतरण नहीं हुए। इसको लेकर शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और अपनी समस्या रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसको मैं करवा दूंगा। कह सकते हैं कि ज़िले के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक में स्थानांतरण विषय पर वार्ता हुई।
और आश्वासन दिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इन शिक्षकों के लिए कि ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर आपका स्थानांतरण करवाने के लिए मैं जल्द प्रयास करता हूँ और करवा कर रहूँगा। सभी साथियों ने आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर प्रयास मात्र से जिले के अंदर स्थानांतरण की उम्मीद नहीं करें, इसके लिए उन्हें माननीय मंत्री से मुलाकात मिलना पड़ेगा और वो मिले जब तक कि शासनादेश जारी ना हो जाए। शिक्षकों का कहना है कि मेरा लक्ष्य है कि 20 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने से पहले 10 बार मंत्री जी से मिलने लखनऊ आऊँगा और आप सभी इच्छुक साथियों से भी आग्रह कि हर दिन कोई ना कोई शिक्षक साथी माननीय मंत्री जी को ज़िले के अंदर स्थानांतरण हेतु ज्ञापन देने पहुँचे। बहुत अच्छी बात कही है, हमें अपना प्रयास करते रहना है, क्योंकि एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती है। अन्वेषक शिक्षा मित्र सभी से यही आग्रह है कि वो अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में संवैधानिक दायरे में रहते हुए माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखते रहें, किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि अन्वेषक भाई, शिक्षा मित्र भाई प्रयास कर रहे हैं। इस समय अन्वेषक भाई किसी न किसी बहाने से माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को याद दिलाते रहते हैं, जो कि एक शुभ संकेत है आपके भविष्य के लिए और कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा, ऐसी उम्मीद है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।